वह समुद्र जो निश्चित रूप से शांत प्रिय और अपनी सीमाओं के लिए माना जाता है कि सीमा समुद्र अपनी सीमा नहीं तोड़ता, लेकिन जहाँ इस तरह की दिव्य आत्माएं परम प्रभु की उनके चरणों में आकर के बैठी हो, वहां कवातायन और उनके हृदय में उमड़ता हुआ समुद्र का वह ज्वार भाटा आज निश्चित रूप से अपने हृदय के समुद्र की सीमा को लांघने के लिए की पंक्तियां पत्रिका में दे करके हम लोगों की आत्माओं पे इस प्रकार का एक संघार, इस प्रकार का एक चोट पहुंची है कि हम रोक नहीं पा रहे अपने आप को, बांध नहीं पा रहे अपने आप को मर्यादा सीमाओं में, हम अपने आप को समेट नहीं पा रहे अपने शिष्यत्व में, हम अपने आप को उस मर्यादा में नहीं ले जा पा रहे साधक की। हम तो प्रभु के बच्चे हैं, हम तो प्रभु की संतान है, हम तो प्रभु की दिव्यतम आत्मा के अंश है। इसलिए हे प्रभु, न हमारी सीमाओं पर जाओ, न हमारी मर्यादाओं पर जाओ, न हमारी किसी न्यूनताओं पर जाओ, हमें आज आप स्वतंत्र कर दो, मुक्त कर दो, क्या मुक्त करे से मुक्त कंठ से आप ध्वजा घोष कर सके, अपने हृदय का समुद्र उड़ेल सके, अपने आंसुओं के हल्के से आपके पद चिन्ह, आपके नख, आपका रोम रोम हम अर्घ दे करके सिक्त कर सके। प्रभु, आकाश के उस बूंदों में भी, उन मेघों में भी वह पावनता नहीं रही। प्रभु, उस समुद्र के उस ज्वार भाटे के उस उड़ में भी, उन लहरों में भी वह पावनता नहीं रही। प्रभु, जो हमारे हृदय की इस समय की उफनती हुई समुद्र की ज्वार भाटाओं से उठ रहा है, प्रभु इन आंखों को मत देखो, इन आंसुओं को मत देखो, प्रभु ये अपने आप में इस समय बंधन मुक्त है। अगर आप इसकी कीमत समझ सकते हैं, आप यदि इन आंसुओं को अपने चरणों तक अर्घ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तो हमारा तो रोम रोम विस्फोटित है, विकंडित है, पहला हुआ है। प्रभु, इसे समेट लो, आप अपने बाजुओं में समेट लो, ये प्राणों में गति दे दो, स्थान दे दो। प्रभु, हमारी केवल यही आपसे विनीत विनती है, यही प्रार्थना है, इसी प्रार्थना को लेकर तो हम आपसे आए हैं, हम आपके चरणों से जुड़े थे। आज वो दिन याद आ रहा है प्रभु, कैसे हम अपने घर बार को छोड़ करके आपके चरणों से आकर के लिपटे थे, उस क्षण का जो दिया हुआ आपका आशीर्वाद वरदान हमें शिष्यत्व का मिला था, आपने हमें उससे भटका दिया, हमें आपने फिर में भेज दिया, हमें आपने नाना प्रकार के कार्यों में उलझा दिया। आज हम फिर आपसे आपके चरणों में लेट करके पुनीत विनती करते हैं, प्रभु उस चक्र को पूरा कर दो, हमें फिर आप उस जगह पहुंचा के बैठा दो जहां शिष्य पर कि ये मेरा शिष्य है, इसकी आंखें, इसका रोम, इसका स्पंदन, इसके पार पार, इसके एक एक कंठ की आवाज मेरी है, और जो मेरी है तो निश्चित रूप से क्रांति होगी, क्रांति बिल्कुल बजेगा। रोक नहीं सकता, न सृष्टि रोक सकती, न प्रकृति रोक सकती, प्रभु ने जो गति दी है गतिशील होंगे, और इस प्रकार से गतिशील होंगे कि एक ज्वार उमड़ेगा इस चारों दिशाओं में और ये समुद्र उमड़ रहा है। आप सब निश्चित रूप से पवित्रतम पवित्र बोध के साथ परम गुरुदेव के चरणों में विराजमान है। मैं तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि हमारे पास अगर कुछ है प्रभु के चरणों में, अपने हृदय का द्वार है, अपनी आंखों के अश्रु वेग है, जिनसे हमें प्रभु के चरणों को सिद्ध करना है, इनसे हमने अपने प्रभु के पावन पुनीत अपने उनके पदों को हमें पखारना है। प्रभु हमारे इस विनीत भाव को स्वीकार करते हुए हम पर अपनी कृपा कर दे, अपना वरदान दे दे। प्रभु ने पात्र आशीर्वाद चाहिए, यह वरदान तो हम आपसे लेकर रहेंगे प्रभु, यह वरदान तो आपको देना पड़ेगा प्रभु, इस वरदान को आप हमसे नहीं छीन सकते, हमारी आंखों के आंसुओं से पखारे हुए अपने पदों को आप किसी भी प्रकार से उसका दिया हुआ वहां से निकला हुआ आशीर्वाद आप रोक नहीं सकते, हमें आपने प्रवाह दिया है, इसी प्रवाह में हम बहते चलेंगे, और आपसे जब चाहेंगे तब आपसे यही आशीर्वाद वरदान, हमारा अधिकार प्रभु हमसे मत छीनना, और जो चाहे उन्हें देना, सुधा देना,
ठोकर मार देना, हमें आप पंच तत्वों में विलीन कर देना, हमें इनकी विचार चिंता नहीं, हमें तो चिंता एक है कि आपके हम कहीं चरणों से दूर न हो जाए प्रभु। नेत्रों से उनके जो चरण प्रक्षालन किए हैं वह सब हमारे आपकी ओर से ही किया है प्रभु जी। गुरुदेव के चरणों में वास्तव में हम यही भाव लेकर के इस भिलाई लोह नगरी के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव यह तो हमारी प्रार्थना आपसे है ही। एक ऐसी महादेवी निर्मित हुई है जिसको काल कहा गया है, जिसको समय कहा गया है, जिसको शक्ति कहा गया है, जिसको प्राण चेतना कहा गया है, जिसको माँ अम्बे कहा गया है। जिस प्रकार से एक माँ अपने कुपुत्र या सुपुत्र बालक को अपना संरक्षण देती हुई उसका ध्यान रखती है, उसको ऊंचा उठाती है, उसको सफलता के पथ पर अग्रसर करती है, ऐसी ही जगदम्बा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का वो कल्याण करे, आप सभी की रक्षा करे, आप सभी को पूर्णता प्रदान करे। ऐसा ही गुरुदेव की जय। गुरुदेव की जय। पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी कई बार शिष्यों के शिविर हुए, सन्यासी शिष्यों के भी और गृहस्थ शिष्यों के भी, और उन सभी शिविरों में एक गुरु रूप में मुझे जाने का अवसर भी मिला। उनको मिला भी जो शिष्य परिचित थे, जो अपरिचित थे, जो नवादुग थे, जो कई वर्षों से थे, बावजूद भी इस पूरे जीवन में जब भी मैं कुछ ऐसे शिष्यों को देखता हूं जिनके हृदय में एक असीम प्रवाह होता है, जिसके हृदय में एक प्राण चेतना होती है, जिसके हृदय की झंकार मेरे साथ जुड़ी होती है, तो जीवन का एक भाग आनंदमय हो जाता है। और भिलाई नगरी में आपके बीच आने पर मैं ऐसा ही अनुभव कर रहा हूं कि जैसे मेरे ही पुत्र हों, मेरे ही शिष्य हों, मेरी आंख नाक कान हाथ पैर सब मेरे सामने कूड पुरुष बनकर के बैठे हों, ऐसा ही अनुभव कर रहा हूं। ये नवरात्रि का पर्व और कोई भी नवरात्रि का पर्व सामान्य नहीं होता, सामान्य तो हम होते हैं। इसलिए सामान्य होते हैं कि हमने अपने आप को सामान्य समझ लिया है और वो सामान्यता हमारे जीवन से उतर नहीं पा रही है। न सन्यासी शिष्य होता है, न ग्रस्त शिष्य होता है, आपके मानस से दिमाग से दिल से आप सन्यासी भी हो सकते हैं, आप ग्रस्त भी हो सकते हैं, आप भोगी भी हो सकते हैं, आप रोगी भी हो सकते हैं, आप योगी भी हो सकते हैं। ये तो आपके मानस चिंतन की बात है और आपके मानस चिंतन में ये बात घर कर गई है कि हम ग्रस्त हैं और हम साधना में सफलता नहीं पा रहे। यदि आपके साथ एक समर्थ गुरु हो, आपके बीच में 10-15 वर्षों से 50 वर्षों से हर बार जुड़ रहा हो और उसके बाद भी आप सामान्य बने रह सके, तो ये तो आपके मनस की कल्पना है, मानव की और आपके दिमाग की न्यूनता है, कमजोरी है। जब मैं ये कह रहा हूं कि आप न्यून है ही नहीं, आप कमजोर है ही नहीं, तो आपके मन से ये भ्रम मिटाना पड़ेगा, आपको ये छोड़ना पड़ेगा कि आप ये साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते या भगवती जगदम्बा को साक्षात प्रकट नहीं कर सकते या भगवती लक्ष्मी को आप अपने सामने साकार नहीं कर सकते। आप सभी अपने आप में समर्थ हैं, मगर आपके मन पर, क्योंकि आपका सारा जीवन मन के संवेगों के साथ प्रवाहित है और मन के संवेग कहलाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अटैचमेंट, प्यार,
घृणा तिरस्कार घमंड जो कुछ भी ये सारे 32 संवेग हैं, आप इन संवेगों के साथ जिंदा हैं, जीवित हैं। एक रेत जमती रहती है, एक बूंद देखने के शीशे को भी हम कुछ दिन नहीं पहुंचे तो उसके ऊपर भी रेत जम जाएगी, धूल जम जाएगी, यद्यपि आपने धूल फेंकी नहीं है। चारों तरफ का वातावरण ही ऐसा है। अगर आप अपने बात व्यक्ति के ऊपर शीशा लगा हुआ है और यदि आप 5-7 दिन उसको नहीं पहुंचे तो 8वें दिन आप चेहरे को साफ नहीं देख पाएंगे। आपने धूल नहीं फेंकी, आपने पानी के छींटे भी नहीं मारे, मगर जो चारों तरफ का वातावरण है, जो धूल के कण हैं, वे उस शीशे पर चिपक जाते हैं और उसकी वजह से आप अपने चेहरे को साफ होता जाता हूं, आप हर बार उसके ऊपर धूल जमाते जाते हैं। मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करता हूं कि आप अपने उस दर्पण को स्वच्छ करें, अपना चेहरा देख सकें, और देख सकेंगे तो आपको एहसास हो पाएगा कि आप एक साधक हैं, देख पाएंगे कि आप एक समर्थ गुरु के शिष्य हैं, देख पाएंगे कि आप साधनाओं में सिद्धि और सफलता पा सकते हैं। मैं धुंधले शीशे से, धुंधले मन से, धुंधली आत्मा से नहीं देख पाएंगे। और इस रेत भरे हुए मन के दर्पण को स्वच्छ करने की जो क्रिया है, उस क्रिया को दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा का मतलब यह नहीं कि आप मेरे शिष्य बन रहे, शिष्य तो है, शिष्य होते तो यहां बैठते ही क्यों। दीक्षा का तात्पर्य यह भी नहीं है कि मैं आपको कोई पकड़ करके ऊपर आकाश में ले जाऊं। दीक्षा का तात्पर्य यह है कि आप मेरे से उस प्रकार से जुड़ सके जिस प्रकार से प्राण एक प्राण से, आत्मा एक आत्मा से, जीवन एक जीवन से, चिंतन एक चिंतन से, विचार एक विचार से जुड़ सके। और ऐसी जुड़ने की क्रिया की वजह से जो मेरे मन का स्वच्छ दर्पण है वो प्रतिबिंब डाल करके आपके मन के उस दर्पण को भी पूर्णतः स्वच्छ बना देगा। तब उस पर न तो घृणा होगी, न तिरस्कार होगा, न अपमान होगा, न न्यूनता होगी, न मन में अभाव होगा, न मन की यह भावना होगी कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ये कहा है कि सतम विभूत है पूर्णम तुम देवोत्थान पूर्णतः। बार बार दीक्षा लेनी ही चाहिए, बार बार शीशे को साफ करना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं कि एक बार खरीद के लाए शीशे को और पहुंच करके रख दिया तो अब जीवन भर वह शीशा साफ रहेगा ही। बार बार, और जब हर बार उस शीशे को पहुंचा जाएगा, क्योंकि आपको वह क्रिया मालूम नहीं है कि हम अपने अंदर शीशे तक दर्पण तक कैसे पहुंच सके, आपको तो अपने शरीर का ज्ञान है ही नहीं। बांस की चीजों का ज्ञान है कि बांस है और ये खपचियां हैं और ये बरसात हो रही है और ये टेंट है या जो कुछ भी है। आंतरिक रूप से जाने की आपको क्रिया का अनुभव नहीं हुआ, और आंतरिक रूप से जाने की क्रिया को जब दीक्षा कहा जाता है तब उसके अंदर एक चित्त में जो जड़ता है, जो श्रांत है, जो न्यूनता है, जो रुक गया है, उस जगह पर ठोकर मारने से अपने आप वो जीवन का प्रवाह सरल बन जाता है। फिर ये योगी सन्यासी हमारे पूर्व वशिष्ठ विश्वामित्र ये नहीं कहते कि बार बार दीक्षा लेनी चाहिए, फिर श्लोक की रचना होती नहीं, फिर केवल सामान्य दीक्षा से काम चल जाता है। उस दीक्षा का तात्पर्य यही है कि हम अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त कर सके, जो हम नहीं कर सके, जो आप नहीं कर सके, या तो आप अपने प्रयत्नों से करें, और यदि आप प्रयत्न नहीं कर सके या आपको रास्ता ज्ञात नहीं हो तो फिर गुरु के माध्यम से उस स्थिति को प्राप्त कर सके जिस स्थिति के माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर फिर ब्रह्मांड को देख सके। जब अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको समझ नहीं पा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आप 11वें अध्याय में कहा कि 10वें अध्याय में कहा कि आप अपने आप को कह रहे हैं आप बहुत महान हैं, और पेड़ों में आप कह रहे हैं मैं पीपल हूं, और ये आप कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं सागरों में समुद्र हूं। मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, मुझे तो लग रहा है कि आप सारथी हैं, घोड़ों की लगाम पकड़ी हुई है और कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। आप में मुझमें अंतर क्या है, मैं कैसे मानूंगा कि आप है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपके सब सुन रहा हूं।